भारतवास सर, आपने जो बड़ी बात बोली भी, आपने जो बड़ी बात बोली कि अगर लैपर्ड और अब्राम आते हैं यहाँ पर तो इसके बाद डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होगा, और ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ये भी समझेंगे कि क्या टेंशन एस्केलेट होकर होगा या फिर वाकई में आमने सामने की भिड़ंत हो जाएगी, तो बेहद ही बहुत विध्वंसक होगा। लेकिन सर एक बड़ी खबर है, देखिए लेनिनग्राद को लेकर यह बड़ी खबर है। लेनिनग्राद पहुंचे व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रवाद की हुंकार भरी है। वर्ल्ड वॉर टू की जीत के 80 साल के मौके पर व्लादिमीर पुतिन बोले, नए रूप में नाजी फिर बन गया है, रूस के लिए बड़ा खतरा। तो यानी जिस नाजीवाद को हटाने की बात बोल रहे थे यूक्रेन पर हमले से पहले, आज क्योंकि लगातार यूक्रेन को वेस्ट की मदद मिल रही है, अब उसी को लेकर फिर से हुंकार भरी है। एक बड़ी बात यह है कि अपने हर संबोधन में पुतिन अपनी मंशा को जाहिर करते हुए ये दिखा देते हैं कि कुछ भी कर लीजिए, हमारी तैयारी पक्की है। चाहे इससे पहले न्यूक्लियर थ्रेट को दी गई वार्निंग्स या अपनी फौज को अलग अलग लेवल पर डिप्लॉय करने को लेकर लिए गए फैसले, पुतिन ने बड़ी बातें कही हैं। लेकिन आज जिस तरीके से हम लेनिनग्राद की बात कर रहे हैं, इसके इतिहास का जिक्र करते हुए पुतिन ने अब ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या कहा है एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करने से पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि पुतिन के राष्ट्रवाद वाया लेनिनग्राद ये हम क्यों कह रहे हैं, पुतिन ने क्या कहा, नाजी हमें खत्म करना चाहते हैं जो मुमकिन नहीं है, हम 80 साल पहले भी जीते थे फिर से जीतेंगे। इस बीच पुतिन ने युवाओं को राष्ट्रवादी नेताओं के साथ इस मीटिंग में बातचीत करते हुए ये बड़े बयान दिए हैं और कहा है हम टैंक से ज्यादा बड़े हथियार मोर्चे पर लगाएंगे। ये बड़ी बातें कही गई हैं। अमेरिकी उपमहाद्वीप में भी हमारे कई दोस्त हैं। ये किस बात का संकेत दे रहे हैं प्रोफेसर झा, क्योंकि इस हालात को सुमित समझना बहुत जरूरी है। हम लगातार चर्चा करते आए हैं कि पुतिन जानते हैं वक्त आने पर अपने रिजर्व्ड वेपन्स का वो इस्तेमाल करेंगे, अब तैयारी के बाद भी वो यही संकेत देते हैं, नैले पर दैला फेंकने की क्षमता पुतिन रखते हैं। दो तीन बातें, पहली बात ये कि जिस तरीके से नाटो यूक्रेन के साथ खड़ा है और टैंक एडवांस टैंक देने की बात कही जा रही थी, तो एक बात निश्चित है कि ये कहीं भी बाढ़ खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा, इस युद्ध में कोई अंत की स्थिति अभी नज़दीकी भविष्य में तो नहीं है। दूसरी बात ये कि इस बात से रूस भी परेशान है, इसमें कोई दोराय नहीं। रूस अगर ये कह रहा है कि उसके पास सिर्फ टैंक नहीं, वो न्यूक्लियर हथियार तक का प्रयोग कर सकता है, तो ये यकीन मानिए इस टैंक से वो भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली जरूर निश्चित रूप से परेशान है कि आखिर ये कब तक चलेगा। अगर ये स्थिति का वो हमेशा ये चाह रहा है कि वार जल्दी से जल्दी खत्म हो, ये स्थिति दिख नहीं रही है। वो इसलिए क्योंकि कब्जा ही नहीं कर सकते, डिक्लेयर ही नहीं किया कहीं पर गवर्न करने को लेकर, नहीं चार राज्य में तो कब्जा हुआ, वहाँ पर गवर्न भी रूस ने कर दिया, लेकिन स्थिति वहाँ भी ऐसी नहीं है जैसे उसके बिल्कुल उनके बारे में भी ये नहीं कहा जा सकता कि रूस का इन इलाकों में पूरी तरह से कब्जा हो गया है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।